हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं परमाप विचलन। इसको मानक विचलन भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको स्मॉल सिग्मा से लिखा जाता है। सबसे पहले हम इसका अर्थ करते हैं कि परमाप विचलन होता क्या है। किसी श्रेणी के समानांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल, उस श्रेणी का परमाप विचलन होता है। कहने का मतलब क्या है, पहले हम क्या करेंगे, ये चुनाव करेंगे कि जो परमाप विचलन है वो हमेशा समानांतर माध्य से निकाला जाता है। समानांतर माध्य से पहले हम पद मूल्यों के विचलन निकालेंगे, फिर विचलनों का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर विचलनों के वर्गों का माध्य निकालेंगे, फिर उसका वर्गमूल, तो वो क्या आ जाएगा, परमाप विचलन। तो ये स्टेप इसके क्या हैं, इससे क्या विशेषता निकली, इसमें विचलन सदैव समानांतर माध्य से लिए जाते हैं। तो जो हमारे पास श्रेणी दी गई होगी, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी है, चाहे खंडित श्रेणी है, चाहे अखंडित श्रेणी, सबसे पहले परमाप विचलन निकालने के लिए हमें उसका मीन एक्स वार निकालना पड़ेगा। फिर क्या है, जब हम डेविएशन लेंगे, विचलन यानी डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स वार, तो इसमें चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। अगर कोई वैल्यू प्लस में आती है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में आती है तो माइनस में लिखेंगे। फिर क्या है, जो हमें विचलन प्राप्त हो जाएंगे, विचलनों के वर्ग यानी डी स्क्वेयर, जब हम डी स्क्वेयर करेंगे तो जो ऋणात्मक डी था, माइनस को माइनस से गुना किया, वो भी प्लस हो जाएगा। फिर क्या करना है, विचलन वर्गों का माध्य, यानी ये जो डेविएशन का हमने वर्ग कर लिया, स्केयर कर लिया, फिर उसको जोड़ देंगे सिग्मा डी स्केयर, और माध्य कैसे निकलता है, एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, विचलन वर्गों का माध्य निकाल कर उसका वर्गमूल यानी सिग्मा डी स्केयर बटे एन का वर्गमूल निकाला जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके मतलब तीन चार स्टेप है, और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखने के लिए स्मॉल सिग्मा संकेत अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, तीन चार बातें हैं, परमाप विचलन सदैव समानांतर माध्य से निकालना है, समानांतर माध्य से जब विचलन निकालेंगे हम तो उसमें चिन्हों का ध्यान रखना है, लेकिन विचलनों का जब वर्ग करेंगे तो जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो वो प्लस हो जाता है। फिर क्या करना है, जो विचलन निकाले हैं उनका योग करके एन से डिवाइड कर देना है, फिर उसका वर्गमूल कर लेना है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। तो अब हम व्यक्तिगत श्रेणी में इसका सूत्र लेते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी करेंगे, फिर खंडित श्रेणी, फिर अखंडित श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में इसका क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की दो विधियां हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। दोनों का ही हम सूत्र लिखते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, इसकी प्रत्यक्ष रीति और दूसरी लघु रीति, शॉर्टकट मेथड। प्रत्यक्ष रीति का सूत्र है सिग्मा इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, इस पूरे का अंडर रूट, सिग्मा डी स्क्वायर एन यानी डेविएशन का स्क्वायर करके उसका जोड़ करके एन से डिवाइड कर लेंगे, तो
जो इसका माध्य का फिर वर्गमूल कर देंगे। और दूसरी तरफ जो लघु हम लेते हैं लघु रीति, लघु रीति में इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस ब्रैकेट शुरू सिग्मा डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें ध्यान देना है, ये तो है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटे एन, यानी डी डेविएशन का स्क्वायर करके उसका जोड़ करना और एन से डिवाइड करना है। इसमें क्या है, डी एक्स को जोड़कर एन से डिवाइड कर फिर उसका स्क्वायर करना है, ये ध्यान देने वाली बात है, और फिर उसका अंडर रूट। अब हम इन दोनों विधियों की सहायता से, दोनों सूत्र की सहायता से एक एग्जाम्पल लेते हैं।